हेलो दोस्तों, जावल बाइक गियर में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों हमारे पास है स्प्लेंडर का इंजन। देखो इंजन अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले इंजन का सफाई का विशेष ध्यान दें। देखो सफाई बिल्कुल अच्छी तरह से कर लें। देखो दोस्तों अगर ये हमारी क्रैंक है, अब इसमें देखो हमने जो असेंबली है ना वो पूरी नई डलाई है, इसमें हमने रिपेयर नहीं कराई। देखो अगर इस असेंबली हम रिपेयर कराएंगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलती। उसमें क्या होता है, उसमें अंदर दाग आ जाता है असेंबली में और पिन में। मिस्त्री क्या होते हैं कुछ लोग कि उसमें रेगमाल लगा देते हैं, उस दाग को कम करवा देते हैं। दाग कम तो हो जाता है लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। उसके लिए हम असेंबली अगर नहीं डलवा देना तो हमारा इंजन 2 साल से पहले कहीं नहीं हिलेगा। ठीक है, क्रैंक असेंबली हो गई है, ये हमारे मेन बेयरिंग है। मेन बेयरिंग को ज़रूर चेक कराएं इंजन फिटिंग करते समय। और ये हमारा देखो पिस्टन है, पिस्टन जो अगर हम बोर करा दें ना तो पिस्टन जो हमारा ये सिलेंडर होता है, पिस्टन को पहले ऊषा कंपनी, डोर्स कंपनी या मेले, इनमें से कोई सा डलवाएं, इसके अलावा और कोई सा ना डलवाएं। रही बात इंजन के सिलेंडर की पॉलिश का, इस पॉलिश को इतना साफ करवाएं, इतनी क्लीन कराएं, बिल्कुल शीशे की तरह चमकनी चाहिए ये। क्योंकि अगर बोर अच्छा नहीं होएगा तो हमारी गाड़ी का इंजन बांधने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंजन ज़्यादा चलेगा नहीं, या तो गाड़ी सीज मार जाएगी या फिर ऑयल उठाना चालू कर देगी। और रही हेड के वाल, हेड के वाल हमेशा जेनवन डालें। इंजन फिटिंग करते समय ये क्लच हब कट हो रहे हैं, हब सेंटर बोलते हैं, ये देखो कट रहे हैं, इनमें थोड़े थोड़े निशान हैं, इनको भी हम नया डालेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। ये देखो ये क्लच हाउसिंग है, इस पर ये निशान दिखाई दे रहे हैं, इस पर गारंटी ज़रूर कराएं। अगर ज़्यादा निशान हो तो इस कटोरे को चेंज कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।